हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वक्त मैं बारिश के मौसम में बाहर निकला हूँ, बड़ी सख्त बारिश हो रही है, तो कुछ शॉपिंग उसके लिए फिर मैं शॉपिंग एरिया में आया, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, बल्कि की क्या, अभी तो बारिश लगी है। इस वक्त जाके आपको अंदर से भी मैं दिखाता हूँ कि मार्केट कितनी अच्छी है, जो 24 आवर्स ओपन होती है, 7/24 आवर्स, बस 24/7, सॉरी। तो आप देखें मेरे इस व्लॉग को कि रात को भी, इस वक्त रात के क्या टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे होंगे आई थिंक, ठीक कुछ ऐसे ही होगा, 11:30 बज रहे हैं, तो बारिश को भी हमने एंजॉय करना है और अपनी जो है वो सारी जो है वो ग्रोसरी को भी एंजॉय करना है और सुपरमार्केट भी आपको दिखानी है कितनी खूबसूरत है। तो आप देखिएगा, मुझे ज़रूर अपनी कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। टेक केयर, देखते रहिएगा और बताइएगा। थैंक यू। ओए होए होए, बहुत ही शदीद बारिश लगी हुई है, मूसलाधार बारिश। बहुत ही शदीद बारिश है भाई, वाह 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 वाह, और ठंड भी हो रही है साथ साथ। अब आवाज़ सुन, आवाज़ भी आ रही है बारिश की, बहुत ठीक-ठाक। शॉपिंग करने जा रहे हैं भाई, बहुत ही बारिश का जो स्पीड है और बारिश की जो, अगर आप रोशनी में देख सकें तो इतनी जगह गई है, अब आपको पता चलेगा बारिश कैसी है। ओए हो, ओ माय गॉड, आपको ये पानी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बारिश जो है वो वाकई काफ़ी देर है, लेकिन पानी खड़ा नहीं होगा। काफ़ी देर पहले मैं मोमबत्ती लेके खड़ा हुआ था, मैंने कहा शायद जो है लाइट चली जाए, लेकिन लाइट जाने का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक हफ्ते से बारिश लग रही थी, आज 2 दिन वक्फे के बाद फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई है, और ये मेरे कल सुबह बल्कि कल शाम तक ये बारिश जो है जारी रहेगी। कितनी स्पीड है बारिश की, इस बारिश को सही एंजॉय कर रहे हैं। निज़ामे ज़िंदगी जो है चल रहा है, यहाँ निज़ामे ज़िंदगी कभी नहीं रुकता। अब ये देखें, शॉपिंग जो ना ये आप किसी वक्त कर सकते हैं, 24 आवर्स ये खुली होती है ट्रेड फेयर। ये पम्पकिन है, अब हेलोवीन का सीज़न आ रहा है, हेलोवीन का सीज़न जो है वो आ रहा है, आप देखें ये हेलोवीन जो है, हेलोवीन इसका एक दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये हेलोवीन यानी पम्पकिन है, ये सारे पम्पकिन जो खाते हैं हम, उसके कद्दू जिसको कहते हैं कद्दू, वो कद्दू जो है हलवे में भी डाला जाता है, सब्जी भी बनाई जाती है। बारिश जो है और तेज़ हो गई है, ये फॉल सीज़न है, इसमें पत्ते गिरते हैं। ये पम्पकिन का जो त्यौहार है ना, ये मनाया जाएगा, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखें, ये सुपरमार्केट है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ। ये बिल्कुल मेरे घर के साथ है, बाजू में कह सकते हैं हम, बिल्कुल मेरे बराबर में है ये, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये फ्रूट, ये किन्नू जो है ना, ये छोटे छोटे किन्नू जो आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मीठे हैं। आप यकीन जानिए कि ये इमली कटारा, और इस तरह आप देखें सेब की एक से एक वैरायटी जो हमने देखी भी ना हो कभी, आप देखिए एक से एक वैरायटी सेब की, केले, एक केला खा के पेट भर जाए। बहुत शदीद बारिश है बाहर, आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, आप महसूस कर सकते हैं। देखें ये मिर्चें पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन की मिर्चें, इनकी शक्लें मैंने आज पहली दफ़ा देखी हैं। ये आप देखें केले पड़े हुए हैं, प्याज है, मुख्तलिफ इकसाम के प्याज, आलू, टमाटर, ये फ्रूट और वेजिटेबल शॉप,
मैंने एक है उसके साथ ही, ये काफ़ी बड़ी सुपर मार्केट है जो कि बिल्कुल मेरे घर के बराबर में है, बिल्कुल नेबर में है, यानी कि एक मिनट अगर पैदल वॉक करें, एक रोड क्रॉस करें तो आ जाती है मेरे घर पे। ये देखें सारा, ये फ्रूट इसमें पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें, मैं इस वक्त फेयर ट्रेड में हूँ और शॉपिंग के लिए आया हूँ कि अमेरिका में रात की शॉपिंग जो है किस तरीके से होती है। अच्छा, बारिश तो बहुत शदीद हो गई है, अब आप बताएं कि यहाँ क्या है? ये क्या है, प्याज है, बहुत ही बड़े डिफरेंट स्टाइल का प्याज है यहाँ पर, रेड एनी यूएस का है ओरिजिनल। और ये है कोरियन यम्स, और ये है येलो लूज ऑनियन, ये है वाइट लूज ऑनियन, ये देखें वाइट प्याज, और ये येलो है लाइट येलो, वो रेड है उसके बराबर में जो है उसके प्याज का कलर जो है बड़े बड़े प्याज हैं, वो स्पेनिश प्याज है। ये देखें ये बहुत बड़े बड़े प्याज हैं, ये आप प्याज देखें इनको तो, एक प्याज काटने के बाद आप कमरे में नहीं बैठ सकते। ये देखें टमाटो, पोटैटो, ये मुख्तलिफ किस्म के प्याज हैं, लहसुन है, ये देखें अनानास, पाइन एप्पल, स्वीट चाहिए लेना नहीं है, पपाया, पपीता, खरबूजा, ये देखें अरे क्या खर, नहीं नहीं यार क्या ले रहे हैं, रोटी खा रहे होते हैं यहाँ पर, और क्या खीरे देखें कैसे बम्बू किस्म के खीरे फ्रेश कुकम्बर, रेड पेपर है, ग्रीन पेपर, और ये भाई बनाना ले लें और ये इलायची वगैरह, और ये सारा, और ये सारी देखें मिर्चों का डिज़ाइन देखें, देखने से ताल्लुक रखता है भाई, ये दुनिया जो है अलग ही है। भुट्टे, कॉर्न जो है, मिर्चे हर किस्म की देखें, ऐसी मिर्चें तो यार हमने कभी देखी भी नहीं है। ओह माय गॉड, अब मिर्च है तो एक मिर्च खाने के बाद भी आदमी का पेट भर जाएगा। पालक, करेले, मिर्चों का डिज़ाइन देखें, मिर्चों का डिज़ाइन देख रहा हूँ, ये देखें मिर्चे यार, लिखा होता है आप समटाइम्स वो खा के ले आते हैं। ये धनिया है? मैं क्या उठाता हूँ, हमें क्या पता यार, हम सादे लोग हैं, हमने इन चीज़ों को कहाँ देखा होता है, वकील ही सादे होते हैं, और क्या वकील अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, बाकी उनको सब्जियों का तो ये तो होम मिनिस्ट्री को पता होता है, घरवाली को पता होता है। बिस्किट्स, ओए होए 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 होए, क्वालिटी वाले बिस्किट्स, ओए होए होए होए, बारिश इतनी शदीद हुई है कि पानी जो है इधर भी आना अंदर शुरू हो गया। ये जो सुपरमार्केट है ये 24 आवर्स जो है वह बिल्कुल आपको हर वक्त रेडी हालत में मिलेगी, ओपन होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने इसी वजह से ये नज़दीक लिया था कि चले यार किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ये एग्स, अंडों के एग्जाम देखें, सिर्फ आपके अंडों के एग्जाम चेक करें मेरे भाई, कि नीचे से लेके ऊपर तक आपको एग्स की जो है डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़, और डिफरेंट किस्म का ऑर्गेनिक्स भी है, फॉर्म का भी है। ये दही है देखें आप, दही, गट्स की मुख्तलिफ अकसाम हैं, देसी भी है, वलायती भी है, किरी ये चीज़ वगैरह पड़ी नहीं सारी, ये मसाले, ये जो पोर्शन है ना ये इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो है ये ज़्यादा पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करते हैं।
ये सारा एशियंस का पोर्शन है, हमारे जो एशियन खासकर साउथ एशियन है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देसी फूड्स हमारी हैं जो किसी को चाहिए होता है। ये देखिए सारे नीडो हर आइटम बड़े मुश्किल से मिलते हैं ये चीज़ें। ये पोर्शन जो है सारा एशियन पोर्शन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का सारे आइटम मिलेंगे। क्या नहीं अवेल पाकिस्तानी इंडियन। ये देखें आप, इनके प्राइस देखें आप, ये K&N के कबाब भी मिलेंगे, टेंडर्स भी मिलेंगे, नगेट्स भी मिलेंगे, फन भी मिलेंगे, लेकिन इनकी प्राइस बहुत महंगी है। ये जो K&N के हैं कबाब, ये $25 के हैं एक डब्बा, और ये $22 का नगेट्स, और ये फन जो बच्चों के नगेट्स हैं ये $24 के। पराठे भी अवेलेबल हैं, समोसे भी अवेलेबल हैं। समोसे मेरे भाई ये डब्बा देख रहे हैं आप छोटा सा, ये $17 को अगर पाकिस्तानी करेंसी में या इंडियन करेंसी में कैलकुलेशन किया जाए तो ये बहुत ही महंगा है इस लिहाज से, क्योंकि ये इंपोर्ट होके आते हैं, पाकिस्तान और इंडिया से एक्सपोर्ट होके आते हैं। ये मसाले पड़े हैं देसी किस्म के, ये देसी है, देसी कमाल है। ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ ये देखें, मैं ये हॉट डॉग्स वगैरह हैं, हर चीज़ मिल जाती है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जूसेस वगैरह हैं, हम ऐसे ब्रांडेड जूसेस हैं, म्यारी चीज़ें हैं। जूसेस की इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आज भी देख देख के थक जाता है, कहीं ख़त्म नहीं होते। ये सारा वो अपना ओरिजिनल जो है बटर है, और ये बाकी चीज़ें मेल वगैरह सब गर्ज, हर चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। टिश्यू पेपर वगैरह, ये दूध है मुख्तलिफ अकसाम के, ये दूध बड़े खालिस होते हैं। ये है टोनी एलिच ड्रिंक है बच्चों के लिए, दूध भी ब्रांडेड है सारे डायरी फार्म के ताज़ा। ये चिकन और इसके मुख्तलिफ जो है वो सारा USA, हाल चिकन बॉर्न रेज इन USA। ये देखें बॉटल्स जो है, ये कितने लीटर की बॉटल है यार? Which one? नीचे वाली तकरीबन 4 लीटर का समझ, 3.5 लीटर का, 3.5 लीटर यानी $6 का है। फार्म लाइन की छोटी बोतल है ना, लेकिन ले लेने ये ले लो, ट्रेड फेयर वाला ही ले लें, $6 का होगा आई थिंक, $6 यानी ₹6 का। हम अपने उसमें कन्वर्जन नहीं कर सकते ना। हर चीज़ आपको मिलेगी, ये सारे जो हैं वो अच्छा लाइट सॉल्ट ले लेती हूँ। क्यों, किस वजह से? कोल्ड ड्रिंक, कैंडी ड्राई, ये वो कोल्ड ड्रिंक्स पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के वो है, इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं इसमें ना, यहाँ पर फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। क्या इसके फैंटा के फ्लेवर तो हमने, ये इस तरह के फ्लेवर तो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन इधर ही आके मैं अंदाज़ा हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं। ये फ्लेवर जो फेंटा का ओरिजिनल कलर है जो बचपन में हम पीते थे, ये फेंटा का एक दूसरा है पाइन एपल, और ये फेंटा का जो है ग्रेप्स का है। और ये देखें, उनको तो आप जानते होंगे ये क्या चीज़ें, क्या ये करोना करोना ये बेर है ना, बेर
बियर सस्ती है लेकिन पानी यहाँ बहुत महंगा है। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सस्ती है, $2 की है, $3 की है। हाँ ये मैक्सिको की है करोना एक्स्ट्रा। या डब्बा कितने का? ये बहुत स्ट्रांग होती है। नहीं मैं क्या करूँगा यार, हमारे यहाँ तो फरमाया जाता था चिप्स हैं लेकिन यहाँ कहते हैं क्रिप्स। क्रिस बहुत मुश्किल मुश्किल नाम है यार, हमारी जबान पे भी नहीं चढ़ रहा यार, क्या है क्रिस। ये देखें प्योर वाटर है बच्चों के लिए। ये है मटन चिकन और ये सारी सलाद ड्रेसिंग बारबेक्यू सॉस मायोनीज कुकिंग ऑयल केक मिक्स शुगर। ये एक पोर्शन है, इसमें क्या है हनी वगैरह कॉफ़ी टी और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। दिखा दिखा के हम थक जाएं भाई, ये काफ़ी बड़ी है। ये नंबर 8 है। ये जूस वगैरह है, बड़े खालिस जूस होते हैं। ये एप्पल के जूस जो है ना 100% है, प्योर है। जूसेस वगैरह इधर हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक। ये मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं आप? हाँ ये सारा वो आ गया, बियर से कैंस करोना का कैन $4.50 का है तकरीबन एक कैन, सस्ता है। $4-5 की पानी की बॉटल है, करोना सस्ता है और इसके सारी ब्रांड भी ऐसी हैं, सस्ती हैं। ये 10:30 में, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 14, इस तरह सारा ये बर्तन है। इसमें बर्तन भी पड़े हुए हैं, हम आपको बर्तन भी मिल जाएंगे, झींगे मिल जाएंगे, फिश मिल जाएगी। ये बूचर की शॉप है, फ्रेश बूचर। ये लॉबस्टर्स, ये सब फ्रेश लोग लेके जाते हैं। यहाँ ब्रेड्स हैं, हर तरह की आपको ब्रेड डबल रोटी हर चीज़ मिलेगी, हर तरह के बर्तन भी आपको मिल जाएंगे। ब्रेड्स और ये पकी पकाई ताज़ा रोटी ब्रेड के कितने ब्रांड हैं इसके पास, क्यों बेकरी आइटम्स हैं सारे, सब बेकरी आइटम्स। ये सामने बेकरी आपको नज़र आ रही होगी, केक्स वगैरह हैं। ये बेकरी है सामने, ये बेकरी के सारे आइटम, ये फ्रीज आइटम है सारे, आइसक्रीम वगैरह, वेजिटेबल्स और दीगर सारे आइटम लिखे हुए, आइसक्रीम फ्रेंच फ्राइज मेल डिनर एपेटाइजर बेकरी केक्स ब्रेकफास्ट पास्ता नूडल पिज़्ज़ा हर चीज़ें। और यहाँ पर पैम्पर्स पड़े हुए, ये काउंटर हैं इनके 1 से लेकर 11 तक। कस्टमर सर्विस भी है, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कंप्लेनें कर सकते हैं। दालें भी पड़ी हुई देखें हैं बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम की, कोकोनट पैराशूट ऑयल ड्राई फ्रूट कोकोनट मिल्क हर चीज़ अवेलेबल है भाई। लॉटरी भी अगर खेलनी है आपने, न्यूयॉर्क लॉटरी, वो भी अवेलेबल है। ये लॉटरी है मुख्तलिफ 1 से लेकर $20 तक की।
टोनिंग आइटम, शेविंग वगैरह, ये सब चीज़ें उनके पास। इसके साथ ही भाई शॉपिंग हो गई ख़त्म, ये हमारी हो गई शॉपिंग। शॉपिंग का ये तरीक़ाकार है, यहाँ देखें पानी की बॉटल्स हैं, और इस वक्त बारिश जो है वो लगी हुई है, बारिश हो रही है, पानी बहे है, पानी बहे है। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का मैं अख्ताम करता हूँ। ये ऊपर करो ज़रा, ये आप मुझे, ये बारिश अभी तक चल रही है, अच्छी तरीके से हो रही है। फेयर ट्रेड से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन पे है, बहुत ही अच्छी मार्केट है, और देखें बारिश। इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अब बारिश के मौसम को मैं भी इंजॉय करता हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें, ज़रा देखते रहिएगा, कमेंट से अपने ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।